हाय गाइस, तो आप देख रहे हैं ईट मोर लूज मोर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ बहुत ही इजी हेल्दी ऑफिस या कॉलेज या स्कूल के स्नैक्स आइडियाज। ये स्नैक्स बहुत ही हेल्दी हैं एंड साथ ही साथ आपको बहुत देर तक फुलर भी रखते हैं। तो शुरू करते हैं इजी टू मेक स्नैक्स जो आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं अपने साथ। तो सबसे पहले मेरा सबसे फेवरेट स्नैक जो कि है बनाना स्प्लिट। इसे बनाना बहुत ही ईजी है, इसमें बहुत ही न्यूट्रिशन है, दैट इज कैल्शियम, पोटेशियम एंड बहुत ही आसान है बनाने में। तो इसके लिए आपको चाहिए एक बनाना जिसको आप बीच में से कट कर दीजिए। उसके ऊपर आप डालिए 2 चम्मच ग्रीक योगर्ट के। अगर आपके पास ग्रीक योगर्ट नहीं है तो आप नॉर्मल लो फैट दही भी ले सकते हैं। उसके साथ इसमें डालिए अपनी चॉइस के फ्रूट्स जो कि हो सकते हैं एप्पल, ऑरेंज, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, पाइनएप्पल, मैंगो, जो भी इस सीजन में अवेलेबल हो। साथ ही साथ उसके साथ आप डालिए कुछ नट्स जो कि हो सकते हैं जैसे कि बादाम, पिस्ता, काजू एंड उसके साथ उसके ऊपर डालिए 1/2 चम्मच चिया सीड्स और आपका फर्स्ट स्नैक प्रिपेयर है, दैट इज बनाना स्प्लिट। ये बहुत ही इजी है बनाने में एंड आप इसे कहीं पे भी बहुत ही आसानी से कैरी कर सकते हैं। सेकेंड स्नैक ऑप्शन है रोस्टेड ब्रोकली। अब जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रोकली एक बहुत ही अच्छा फैट कटर फूड है, बहुत ही जल्दी आपके बॉडी में से फैट को रिड्यूस करता है अगर आप एक ब्रोकली रोज अपने डाइट में ऐड करते हैं। तो रोस्टेड ब्रोकली बनाने के लिए आपको एक नॉनस्टिक पैन में ब्रोकली कटी हुई डाल दीजिए, उसके साथ उसमें डालिए ऑलिव ऑयल एंड नमक और काली मिर्च का पाउडर। अब साथ ही साथ इसमें कुछ हर्ब्स भी डाल सकते हैं जैसे कि ऑरिगैनो, चिली फ्लेक्स और जो भी आपको पसंद हो। इसे अच्छी तरह 5 मिनट कुक होने दीजिए एंड जब कुक हो जाए तो इसे एक बोरोसिल के लंच बॉक्स में ट्रांसफर कीजिए। मैं कभी भी अपने लंच के लिए प्लास्टिक लंच बॉक्स नहीं यूज करती हूँ। आई ऑलवेज प्रेफर टू यूज बोरोसिल नॉन प्लास्टिक लंच बॉक्स। ये ग्लास के बने हुए होते हैं एंड इसमें कोई भी प्लास्टिक यूज नहीं होता है। ये लीक प्रूफ होते हैं, स्टेन फ्री होते हैं एंड इनमें कोई भी हार्मफुल मटेरियल नहीं है। कभी भी अपने लंच बॉक्स कैरी करने के लिए प्लास्टिक नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि उससे कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर इस लंच बॉक्स को आपको बाय करना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं और ऑनलाइन इसे बहुत ही आसानी से अमेज़न पे बाय कर सकते हैं। अब तीसरा बहुत ही आसान स्नैक है ओटमील विद फ्रूट्स। अब आप सोचेंगे कि ओटमील को हम कैरी कैसे करेंगे कहीं पे भी। इसके लिए आप एक मेसन जार खरीद सकते हैं। ये जार बहुत ही आसानी से कैरी हो सकता है कहीं पे भी और इसको बाय करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक कीजिए और इसे आप अमेज़न पे बहुत ही आसानी से बहुत ही कम दाम में बाय कर सकते हैं। और इसे बनाने के लिए सिर्फ 2 मिनट चाहिए। आपको क्या करना है, इस मेसन जार में 1/2 कप बादाम का दूध ऐड करना है। अगर आपके पास बादाम का दूध नहीं है तो आप लो फैट स्किम दूध भी ऐड कर सकते हैं। उसके अंदर डालिए 2 चम्मच ग्लूटेन फ्री ओट्स के। इसके बाद इसमें आप डालिए 1 चम्मच चिया सीड्स और साथ ही साथ इसमें आप अपने पसंद के कोई भी फ्रूट्स ऐड कर लीजिए जैसे कि एप्पल, ऑरेंज, चेरीज, पाइनएप्पल, जो भी उस सीजन में अवेलेबल हो एंड आप इसे बहुत ही आसानी से कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। और लास्ट बहुत ही आसान स्नैक है ड्राइड नट्स। इन्हें भी आप बहुत ही आसानी से कैरी कर सकते हैं जैसे कि बादाम, काजू, अखरोट, अलग अलग टाइप के सीड्स जैसे कि पम्पकिन सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो सकते हैं एंड किसी भी टाइप का ड्राइड फ्रूट। अब ड्राइड फ्रूट बहुत ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल होते हैं जैसे कि ड्राइड फ्रूट्स में आता है कीवी, मैंगो, ऑरेंज, ब्लैकबेरीज, रेड चेरीज। ये बहुत ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल होते हैं एंड इनमें बहुत ही अच्छी मात्रा में विटामिन सी, विटामिन ए एंड विटामिन डी अवेलेबल होता है। आप इन्हें कहीं पे भी बहुत ही आसानी से निकाल के खा सकते हैं और ये आपके भूख को बहुत ही जल्दी खत्म कर देते हैं। इन बहुत ही आसान स्नैक्स को ट्राई कीजिए एंड कभी भी आप इन्हें कहीं पे भी खा सकते हैं। बस प्रेफर करना कि आप इन्हें प्लास्टिक के कंटेनर्स में नहीं डालें एंड सिर्फ और सिर्फ बोरोसिल के ग्लास कंटेनर्स में लंच बॉक्स में डालें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को लाइक, शेयर और नीचे कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट ऑलवेज।